हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका है एक नया रिक्रूटमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से पब्लिश किया गया है। आज ही जो है 23 जनवरी 2026 में जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे इसी के बारे में कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे कौन सी पोजीशन निकल के आया जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो वैकेंसी निकल के वो है 23 जनवरी 2023 से 6 फरवरी 2023 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जहाँ पे एसओ के पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिविल इंजीनियरिंग, लॉ ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉ ऑफिसर, राज्यसभा ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए एपीआई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, डिजिटल बैंकिंग सीनियर मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, एपीआई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर। इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकल के आया है। और इन सारे वैकेंसीज का टोटल वैकेंसी अगर पोस्ट की बात किया जाए 205 वैकेंसी निकल के आया है। इनमें आप लोग 25 से यहाँ पे 38 तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते, जो कि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊंगा जो सिलेक्शन करने के एप्लीकेशन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकल के आए 29, तो 29 वैकेंसीज़ के जो क्वालिफिकेशन है एक एक करके आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये नोटिफिकेशन है। 45 पेज के जो है नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए फॉर दिस ऑल दिस पोस्ट, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन टू मास्टर डिग्री तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा एमबीए क्वालिफाइड, इसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट बीटेक बीई करके बैठे वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। नोटिफिकेशन एक बार अलग ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए 29 पोस्ट के लिए 29 से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हर एक कोई के लिए अलग से दिया गया है। तो चलिए इसको अभी साइड में रख के और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक भी इसको जो है दिया जा रहा है, जो पोस्ट निकल के आया है उन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बेसिकली क्वालिफिकेशन इस तरह से होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको उस कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है उसको अगर जानना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को लेके आ चुका हूँ लास्ट में, जहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊँगा एज क्राइटेरिया और अलग से जो क्राइटेरिया दिया गया है क्या क्या, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया दिया गया है उसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 to 15 ईयर्स एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स तक एज सिलेक्शन आपको मिलेगा। सैलरी आपको 63,000 से 1,00,000 तक आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा एज पर द जो यहाँ पे दिया गया है पोस्ट उनके हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर जा सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में भी पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो पैटर्न दिया गया है वो है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पार क्वेश्चन 2 मार्क्स के, जहाँ पे 60 मिनट के 100 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह में जो है देख सकते हो और मिलेगा आपको जॉब एग्ज़ाम सेंटर। तो हर एक स्टेट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसी स्टेट के अंदर जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा एंड वहाँ पे आप लोग जाके एप्लीकेशन एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी दिया गया है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस की अगर बात किया जाए अनरिजर्व ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 1,180 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी लेके, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 180
₹18 इंक्लूडिंग GST। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आपको भरना होगा बिफोर 6 फरवरी 2023, उससे पहले आपको जो है यहाँ पे भेजना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट का वहाँ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ आपको जो है ऑनलाइन में आपको अपलोड करना होगा, जिसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो और भी जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ।